नमस्ते, मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग दापोरिजो कल निकलेगा, यानी कि अपर सुबनसिरी हम लोग कल निकलेगा। तो अपर सुबनसिरी का कोई भी आदमी और या जे में जो काम किया है, आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन देके हमको कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको हम जेजेएम का बारे और मेंटेनेंस का जो पीएचई में जो मेंटेनेंस हुआ है, आपको हम उसका एग्जैक्ट डिटेल बताएगा कि आप जो टेंडर नहीं करके या कोई ऑफिसर डायरेक्ट काम दिया है या कोई एमएलए उसको जो डायरेक्ट काम दिया है, आप सबको मेरा एक अपील है, आप लोग आइए यहाँ पर। आप लोग एक छोटा सा आप लोग को हम दिखाएगा, ये जो है हमारा दापोरिजो का जेजेएम का और मेंटेनेंस का जो काम है, और मेंटेनेंस में ऐसे दिखाया गया है, जो ये मेंटेनेंस है बोल के पूरा जेजेएम में बोल के हमको दिखाया है। ये जो दापोरिजो का जो ये जो एट पका ब्रिज पॉइंट एंड विलेज, ये जो दापोरिजो का दिखाई, ये जेजेएम का दिखाई है एट पका ब्रिज एट पॉइंट विलेज, ये जो ये सब दिखाया है। तो कोई भी अगर कल दापोरिजो का बारे में कोई भी पूछना चाहता है तो जेजेएम का बारे में पूछना चाहता है तो जेजेएम बन के रखने से भी जेजेएम हो सकता है बनने से भी। लेकिन कोई कोई जेजेएम ऐसे होता है कि बस्ती जो नीचे में होता है ऊपर में होता है, काम जो नीचे में करा होता है सिर्फ पैसा लेने के चक्कर में, या कोई ढंग से नहीं करता है। तो आप सबको मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि कोई कोई होता है जो जेजेएम का नहीं होके ऐसे जेजेएम का स्कीम में बोल के बना के देता है। ये जो दापोरिजो का कल आप सबको अपर बतम हरली विलेज, ये जो दापोरिजो का ये सब जो है, आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको यहाँ में कोई भी चीज़ को हम जब भी कुछ लड़ता है या हम कुछ बात करता है, हम उसका एग्जैक्ट डिटेल निकाल के बात करता है। क्योंकि इतना करोड़ अमाउंट जो वहाँ पर दापोरिजो पर गया है और मेंटेनेंस का इतना बहुत सा करोड़ गया है, उसके बाद जेजेएम का बहुत सा करोड़ गया है, उस करोड़ को पैसा को कहाँ में यूज़ किया, हम बहुत सा सुनने में आता है कि हमारा पब्लिक को सही ढंग में पैसा नहीं दिया है। हम दापोरिजो आ रहा है उसके बाद जेजेएम को सबसे बहुत जोर से लगेगा क्योंकि जेजेएम में बहुत घोटाला हुआ है दापोरिजो में भी, और दापोरिजो के ऊपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप लोग को सही में काम कमती दिया है, पैसा कम दिया है, आप लोग को हम एस्टिमेट भी दिखा देगा और चेक साइन भी दिखा देगा, और दापो का जो कम पैसा लिया है, आप लोग दापो का जो पब्लिक है, आप लोग प्लीज़ आइए हमको पूछिए, हम आप कितना पैसा लिया है आपको हम पूछेगा, और सेंक्शन कितना हुआ है और कौन कितना का आया है हम उसको आपको क्लियरली बता देगा। हम कोई झूठ बोल के भी तो हमको कोई लेना देना तो नहीं है, आपका काम है आपको पैसा मिलना, ये बात है। और दूसरा बात, हम जो आ रहा है हमारा चावल का पीडीएस का जो चावल है और उसका भी हम पूरा कागज़ निकल के रखा है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाला, पूरा पीडीएस का कागज़ निकल के रखा है। पीडीएस में दो प्रकार का होता है, एक तो हार्ड वर्क होता है, एक तो मौसम वर्क होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हार्ड वर्क होता है, जो हमारा इसकामिंग हो गया, वेस्ट कामिंग, तुवांग, ये दापो हो गया, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वहाँ पर थोड़ा चावल जो सर कुछ पैसा एक दो रुपया माने ज़्यादा बेचता है, और जहाँ कैपिटल हो गया उसमें कैपिटल हो गया जो नीचे ये सब नीचे सर में जहाँ जहाँ सॉफ्ट है जगह है उसमें थोड़ा कम बेचता है। और हमारा ये क्या बोलता है वो हमारा पहले AAY बोलता था और अभी कुछ बोलता है क्या कुछ कागज़ उसका जो कार्ड मिलता है उसको फ्री चावल मिलता है, लेकिन हम लोग को वहाँ में नहीं मिलता है। और आप सबको मेरे रिक्वेस्ट करता है कि जो जो हमको चावल का बारे पूछने मन है तो आपको हम चावल का बारे ए से लेकर जेड तक बताएगा, चावल का बारे आपको हम ए से लेकर जेड तक बताएगा। और आप और दूसरी बात, और हमारा गैस एजेंसी का बारे में, अब हमको जब भी गैस का बारे में कुछ भी पूछिए आपको हम गैस का बारे एग्जैक्टली बताएगा। तो आप सब जो दापो में हम लोग आएगा, और हम उम्मीद करता है कि हम अकेला लड़ नहीं पाएगा, और दापो का पब्लिक अभी जितना गर्म जोशी से जो वेलकम कर रहा है, तो गर्म जोशी से जो हम लोग को बुला रहे हैं, हम उम्मीद करता है कि आप लोग उस लड़ाई में ऐसा ही होगा, और हम भी उम्मीद करता है कि हार कर नहीं जाएगा। और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और हम सिर्फ आपके खिलौना है, आप जहाँ हमको दौड़ाना चाहे हम वही दौड़ेगा, और हमको जो करना पब्लिक करो बोले हम वही करेगा। आप सबको मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जेजेएम का बारे, गैस एजेंसी का बारे, और पीडीएस का बारे, और ऑल एज पेंशन का बारे, आप लोग हमको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, हम उसका आपको ऐसे लेकर जेड तक बता देगा, और हम उसमें सटीक बता देगा, और हम एक भी दूसरा जैसे बिना जान के वो करके हम कभी ऐसे बात नहीं कर देगा, जो हम जानता है और जैसे गवर्नमेंट जोड़े दिया है हम वैसे ही बात करें। दूसरी बात, और जो जो बोलता है कि मैंने जो जो बोलता है कि दापो में
स्वागत करेगा, ये करेगा, दापो में आइए बोलने वाला। आप लोग सब सोशल मीडिया पे मान लेके और आप लोग हकीकत में आइए, और हम उम्मीद करता है कि आप लोग साथ बैठ के, अगर आप लोग का बिना हम लोग कभी नहीं जीतेगा। और ऑफिसर है वहाँ का, ऑफिसर लोग को भी मेरे रिक्वेस्ट करता है कि जो गेस्ट जो देता है और चावल देता है वो डिस्ट्रिक्ट फूड सिविल सप्लाई ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट फूड सिविल सप्लाई ऑफिसर, आप कहीं भी नहीं जाना है, आप वहीं में होना है। आप और डीसी और पब्लिक सब में मीटिंग करेगा हम लोग कि आप कैसे करके इतना रेट बिक्री करने देता है। और दूसरी बात, और ये जो हम लोग का जो डीडीएससी होता है, डीडीएससी आप भी रहिए, आपको भी थोड़ा क्वेश्चन करना है, डीडीएससी को भी क्वेश्चन करना है कि आप बच्चा का पैसा को कैसे गायब कर सकता है, जो बच्चा का मेंटेनेंस पैसा को आप कैसे गायब कर सकते हैं। और दूसरा बात, हमारा पीएचई का एक्शन आप भी बैठिए और ये आप लोग भी बैठिए, कहाँ कहाँ में आप लोग का घोटाला हुआ है, कहाँ कहाँ में काम हुआ है, आप लोग भी दिखाइए, हम लोग देखना चाहते हैं। और दापोरिजो में कितना कॉन्टिजेंसी, उसमें सब लोग हमें जाएगा, ट्राई करेगा, हम लोग सब जाएगा। और वहाँ का एक्शन, जो पीएचई का एक्शन है वो आप रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। फिर कल को वहाँ हम लोग आएगा, फिर आप लोग गायब हो जाएगा, मज़ा नहीं है उसमें। ऐसा पब्लिक का तरफ से हम लोग सख्त कार्रवाई एक्शन लेगा। और आप लोग सोचता होगा कि पब्लिक क्या एक्शन ले सकते हैं, पब्लिक बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है, और पब्लिक चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो पब्लिक का वो होता है। तो इसलिए आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है, और एक मेरा छोटा सा एक भाई जो कमेंट्स किया था कि सेपा में चावल और पानी, हम आपको बता रहे हैं सेपा का चावल और पानी के लिए मैंने बहुत लड़ा, और संभालना आपका ड्यूटी बनता है। हम सेपा के लिए बहुत लड़ा है, तो आप लोग हमको बोलते हैं कि सेपा का क्या हो गया, क्या सेपा का पानी के लिए, सेपा का चावल के लिए, सेपा का रोड के लिए, सेपा का लाइट के लिए मैंने बहुत लड़ा, संभालना आपको है, हमको नहीं है, मेरा और बहुत सा काम है। जो जो सोशल मीडिया में सेपा का बारे लिखता है, आप लोग कुछ कभी संभालिए, हमेशा सोल लोग को बोलने से नहीं होगा, दापो में भी कल को हमको बोलते रहने से नहीं होगा, हम करके रास्ता दिखा के रखेगा। मेरा ड्यूटी बनता है कि हम रास्ता दिखा के रखना है, और हम रास्ता दिखा के रखेगा, और वहां में दापो में वहां का लोग, पब्लिक लोग उस चीज को जान के खुद से खुद लड़के बैठना है। फिर खुद से नहीं लड़ेगा तो 24 आवर्स तू हर महीना हर शाम तू, हम तो वहां में आके नहीं लड़ सकते हैं, सेपा में भी हम नहीं लड़ सकते हैं। मेरा भी फैमिली है, मेरा भी खाना पीना है, हम भी दौड़ पक करते हैं, हम भी मेहनत करने वाला आदमी है। ऐसा कभी नहीं सकेगा कि सेपा को ही लड़ते रहो, सेपा का बात ही करते रहो। तो इसलिए मैं आज छोटा सा आपको रिप्लाई दे रहा कि सेपा का पानी, सेपा का चावल आप लोग का ही ऊपर चौड़ा है, मेरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट में दुनिया भर का है। और उम्मीद करता है कि दापो आए का सक्सेस होगा, और दापो पब्लिक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग आइए। थैंक यू। जे जे एम का बारे पूछना है तो पूछिए, वहाँ में पहुँचने के बाद पीडीएस का बारे पूछिए, उसके बाद आप जो गैस के बारे पूछिए, आपको हम एक वोट भी गलत जवाब नहीं देगा। उसके बाद बच्चा लोग का जो मेंटेनेंस होता है उसका बारे पूछिए, और दूसरी बात आपका ये जो ऑल एज पेंशन का बारे पूछिए, आप सबको हम क्लियरली बताएगा। और बाकी के लिए हम अभी नहीं आ रहा है, बाकी के लिए हम रोड रास्ता क्या क्या दूसरा वो चीज़ को आप लोग छोड़िए, और क्योंकि हर एक आदमी हर चीज़ को लड़ने से फिर सक्सेस नहीं होगा। हम लोग एक दो को टारगेट किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ ये सक्सेस हो, और भगवान से भी प्रार्थना करता है, अन्य दोनों से भी प्रार्थना।